लगातार हो रही बारिश से अब कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद है। वजह यह है कि मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह बारिश के आसार कम हैं। बुधवार सुबह आकाश में बादल छाए रहे, दोपहर तक शहर में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी तो कहीं जोरदार बारिश भी हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलती नजर आई। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आने वाले एक दो दिन रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, इसके बाद कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। के अनुसार मतलब 23 और 24 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना है, ये दिखाया गया है। देखिए ऐसा है, ये तो प्रोजेक्शन, अब मानसून का पीरियड चल ही रहा है और इस तरह की संभावनाएं, मौसम में परिवर्तन या रुक रुक के बारिश होना, ये सब चीज़ें अब अगले 2-3 महीने तक इस तरह की चीज़ें बनी रहेंगी। जैसा कि अभी हम लोगों को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार आज और कल 2 दिनों तक इस तरह के मौसम बने रहने की संभावना है, जिसमें गरज के साथ बारिश होगी और झोंकेदार हवा चलेगी। तो इस तरह की सिचुएशन उन्होंने आज और कल के लिए प्रोजेक्शन जारी किया है। उसी के क्रम में हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट जारी किया है, यदि कहीं कोई क्षति होती है या कुछ इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो उससे अवगत कराएं।